सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो ताज़ीम होनी चाहिए, कुरान ने जो तरीका बताया, जो सहाबा ने कर दिखाया, जो अल्लाह वालों ने कर दिखाया, क्या वो ताज़ीम का तसव्वुर, वो ताज़ीम का जौहर आज कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद है? अल्लाह अकबर। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहतराम मोमिनों के, मुसलमानों के दिल में होना चाहिए, वो सारी चीजें नजर नहीं आती। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता ताज़ीम और तौकीर का जितना मजबूत होगा, ईमान भी उतना ही मजबूत होगा, और ताज़ीम और तौकीर का रिश्ता जितना कमजोर होगा, ईमान भी उतना ही कमजोर होगा। और बल्कि याद रखना, जो अल्लाह और रसूल के बेअदब हैं, उनके पास ईमान का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर। आइए, मेरे आका कैसी लायक ताज़ीम शख्सियत है, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी हज़रत है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी को है तो अल्लाह के रसूल मुस्तफा जाने रहमत का है। खुदा के बाद सबसे बड़ा मर्तबा उनका है, उनसे बड़ा मर्तबा खुदा की मखलूक में न किसी का था, न है, न क़यामत तक हो सकता है। बल्कि शान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि बड़े बड़े बादशाह आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े ताजदार आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े हुक्मरान आए, शहंशाह आए, दुनिया से चले गए, जिनके नाम थे, जिनके काम थे, जिनको उरूज थी, बुलंदियां थी, आज उनकी कब्रों का निशान नहीं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, अल्लाह के बंदो, कभी गौर किया अल्लाह की किताब में, अल्लाह के कुरान में कभी गौर किया? बादशाह लोग अपने दरबार के कवानीन खुद बनाते हैं। मेरे दरबार में आना तो ऐसे आना, जाना तो ऐसे जाना, बैठना तो ऐसे बैठना, खड़े रहना तो ऐसे खड़े रहना। लेकिन कुर्बान जाएं, एक ऐसा भी बादशाह है, एक ऐसा भी शहंशाह है, एक ऐसा भी आका है, एक ऐसा भी मौला है, जो अपने दरबार का कानून खुद नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह उसके दरबार का कानून बताता है। अल्लाह उसके कानून का दरबार आता है, उसके दरबार का कानून अता करता है। अल्लाह अकबर। आए तो सही, वो कौन आका है, वो कौन माबा है, वो कौन मलजा है? वो एक ही जात है, वो आमिना के लाल की जात है, वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। क्या शान है मेरे आका की। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी के दरबार का कानून नहीं दिया। अगर कानून अता कर रहा है तो दरबारे मुस्तफा का कानून अता कर रहा है, अपने महबूब के दरबार का कानून अता कर रहा है। क्या अंदाज बता रहा है, इरशाद होता है, या अय्युहल्लदीना आमनू ला तरफउ असवातकुम फौका सौति नबी। ए ईमान वालों, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंची मत करना। अल्लाह अकबर। अगर कोई आवाज ऊंची करे तो कुरान क्या कहता है, अंतहबत आमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून। तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अंदाजा फरमाएं, सहाबा ने फिर क्या किया, क्या तरीका इख्तियार किया। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक अल्लाह जिनका मकाम ये है, अफजलुल बशर बाद अलंबिया बितहकीक। सैयदना सिद्दीक अकबर जब बारगाह रिसालत में आते तो मुंह में पत्थर रख करके आते। लोग ये समझते हैं हम सिर्फ नमाज रोजा करके जन्नत में चले जाएंगे, हम सिर्फ तस्बीह मुसल्ला पकड़ कर जन्नत में चले जाएंगे, हम सिर्फ दीन की बातें करके जन्नत में चले जाएंगे। ये अव्वलीन लोग, अव्वलीन लोग दीन की सफ में जो सबसे पहले खड़े हैं, जिन्हें कुरान साबिकुनल अव्वलून कहता है, जिन्हें कुरान मियार ईमान करार देता है। नबियों की जमात के बाद सबसे अफजल तरीन जमात अगर किसी की है, वो असहाबे मुस्तफा की जमात है, मेरे नबी के सहाबा की जमात है। अल्लाह अकबर। वो आंख वाले लोग हैं जिन्होंने आमिना के लाल का चेहरा अपने माथे की आंखों से देखा है। मेरे इमाम उन आंखों की फजीलत यूं बयान करते हैं, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आज कोई गुंबद-ए-खज़रा देख के आता है तो आशिक लोग उसकी आंखों को चूमते हैं, गुंबद-ए-खज़रा देख
देखा है। मेरे इमाम कहते हैं, इरशाद फरमाते बड़े मजे में, कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह हू अकबर। ये कौन लोग हैं असहाब? सैयदना सिद्दीक अकबर, जो सिर्फ सहाबी नहीं बल्कि सहाबा के भी इमाम है, इमाम सहाबा है सिद्दीक अकबर। सिर्फ सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर है। ये वो सहाबी है जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है, जिसे कुरान भी साहिब कहता है। अल्लाह पाक कुरान में मुकद्दस, कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इज यकूलू लिसाहिबिही, और जब उन्होंने अपने सहाबी से अपने साहब से फरमाया। कुरान मुकद्दस के हर मुफस्सिर ने बयान फरमाया कि कहने वाला कौन था जिसने कहा वो जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो साहिब थे वो साथ में कौन थे? वो सैयदना सिद्दीक अकबर। गार का वाकया बयान करते हैं, इज हुमा फिल गार, गारे सौर का जिक्र करते हुए कुरान सिद्दीक अकबर की सहाबियत को बयान कर रहा है। और सिद्दीक अकबर वो है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन के लोगों के ईमान को, जमीन वालों के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए, और तन्हा अबू बकर के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए, तो अबू बकर का ईमान सब ईमान वालों के ईमान पर भारी हो जाएगा। जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह यूं लिखते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को अपना खलील बनाता। सिद्दीक अकबर के बारे में फरमाया कि अबू बकर को जो मर्तबे मिले, हदीस पाक में खास तवज्जो करो, आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर को जो मर्तबे मिले हैं वो नफली नमाज रोजों की वजह से नहीं मिले हैं, बल्कि अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल की कैफियत की वजह से मिला। और वो दिलों की कैफियत क्या थी? वो तज़ीम और एहतराम का आलम क्या था? तो बुजुर्गान दिन लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर जब ये आयत नाजिल हुई, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंची मत करना, तो सिद्दीक अकबर अपने अपनी अपने मुंह में अपने जबान पर कंकर पत्थर रखकर बारगाह रिसालत में आते थे, ताकि जब मुंह में पत्थर रहेगा तुम बात करने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर बात करने की नौबत भी आ गई तो आवाज ज्यादा ऊंची नहीं निकलेगी और बेअदबी नहीं होगी। ये सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज था। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसके बाद से हजरत फारूक आजम, उनकी आवाज बड़ी ऊंची थी, तो वो लोगों से सरगोशी में काना फूसी के अंदाज में बात करते थे, ऐसे मुंह में कान, मुंह के करीब कान लगा करके, जैसे लोग आपस में काना कानों कान बात करते, सरगोशियां जिसको कहते हैं, सरगोशी करते उसी तरह सरगोशी करते थे। और हजरत सहाबी रसूल हजरत साबित इब्ने कैस रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उन्होंने तो बारगाह रिसालत में जाना ही छोड़ दिया था ये कहकर कि कहीं मैं जहन्नमी तो नहीं हो गया, क्योंकि मेरे कान जो है वो ऊंचा सुनते हैं, उस वजह से मेरी आवाज भी ऊंची निकलती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, उससे कह दो वो जहन्नमी नहीं हुआ बल्कि वो तो जन्नती है। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम ने अपनी आवाज को बारगाह रिसालत में इतनी पस्त कर लिया कि अल्लाह को ये अदा ताज़ीम रसूल की सहाबे किराम की पसंद आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दो बशारतें अता फरमाई, जो महबूब की ताज़ीम करते हैं, जो रसूल की ताज़ीम करते हैं, जो रसूलुल्लाह के दरबार में एहतराम की वजह से, ताज़ीम की वजह से अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें दो बशारतें अता फरमाई, लहुम मग
मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाहु अकबर, उनके लिए दो तमगे हैं, उनके लिए दो सनदें हैं, उनके लिए दो डिग्रियां हैं। क्या दो डिग्रियां हैं? लोग कहते हैं ताज़ीम से क्या होता है, वो तो अपनी तरह इंसान है, वो तो अपनी तरह बशर है, वो तो ये है, वो तो वो है, वो तो बकरियों का दूध दोते थे, इससे बढ़कर वो क्या है? वो तो अपनी हमारी तरह बाजारों में चलते थे और इससे ज्यादा वो क्या है? नादानो, अल्लाह के महबूब है वो, बकरी का दूध दोना देखकर उनसे वो अंदाज से कि वो बकरी का दूध दो रहे हैं, धोखा न खाओ, बकरियों के पीछे पीछे चलते देखकर धोखा खाने वालों, कभी जिब्रील के आगे आगे भी तो चलते देखो, कभी जिब्रील के परों को थकाते भी तो देखो। अल्लाह अकबर, अगर हलीमा की बकरियों का दूध दो रहे हैं जिनका दूध है, तो उम्मे बाबत की बिन थन वाली बकरी का दूध दोते भी तो देखो, जिसमें दूध नहीं था उससे घर के सारे बर्तनों को दूध से भर दिया, ये भी तो देखो। बहरहाल अंदाजा फरमाए, अल्लाह अकबर, ताज़ीम मुस्तफा पर, एहतराम रसूल पर कुरान ने दो बशारतें दी हैं, लहु मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह पाक ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी है, किनकी? जो ताज़ीम रसूल करते हैं। पहला इनाम उनकी मग़फ़िरत है, और याद रखना जिसकी मग़फ़िरत हो गई उसके लिए जन्नत यकीनी हो गई। हुज़ूर की ताज़ीम पर जन्नत की बशारत मिली, क्या उनके लिए मग़फ़िरत है? और नंबर दो, अज्रुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज्र है, अल्लाह का अज्र, अल्लाह का की तरफ से दिया हुआ अज्र अज़ीम क्या है भाई? जिसके कलील की हद लोग तलाश न कर सके, उसके अज़ीम की हदों को कहां ढूंढने जाए? अल्लाह ताला फरमाता है, कुल मताउ दुनिया कलील, कह दो कि ये दुनिया बहुत छोटी सी है। कौन कह रहे? अल्लाह फरमा, दुनिया छोटी है, कुरान कह रहा है दुनिया छोटी है। ये छोटी दुनिया कौन सी है? जिसमें समुंदर है, जिसमें सात आसमान है, जिसमें सितारे हैं, अरबों खरबों सैयारे हैं, जमीन है, इतनी बड़ी दुनिया। अल्लाह का कुरान कहता है बहुत छोटी। तो जिस कुरान ने दुनिया को छोटी कहा, वो आपके नजदीक कितनी बड़ी है? तो जिसे कुरान अज्रुन अज़ीम कहता है वो कितना बड़ा होगा? और वो अज्र अज़ीम मिल किसको रहा है? वो रसूलुल्लाह को की ताज़ीम करने वालों को मिल रहा है, वो हुजूर का एहतराम करने वालों को मिल रहा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी औलादों को, बेटियों को, बेटों को उनका नाम हमारी ज़बान पर आए तो देखने वाले को भी लगना चाहिए कि इसकी गर्दन एहतराम से झुक गई है, इसकी गर्दन ताज़ीम से झुक गई है, इस पर खुशू व खुज़ू की कैफियत तारी हो गई है। अल्लाह हू अकबर को भी बताता हूँ, अल्लाह ठेला ढकेलने वाला भी पता नहीं लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र करना कैसे सिखा दिया, किस अंदाज से सिखा दिया। वो अंदाज न रहा जो बुजुर्गों का था, वो अंदाज न रहा जो असलाफ का था, वो अंदाज न रहा तो जो बड़ों का था।